टी एस इलियट की पोएम द वेस्ट लैंड जब स्टार्ट होती है तो उसकी ओपनिंग फोर लाइंस हैं जो कि बोली जाती हैं टैरेशस के द्वारा खुद से ही बोलता है टैरेशियस अपने मन में वेस्ट लैंड के किसी स्थान पे खड़ा हुआ है और वो लाइंस बोलता है अप्रैल इज द क्यूलेस्ट मंथ एंड ब्रीडिंग आउट ऑफ द डेड एंड सो आफ्टर ऑल हु इज़ द टेरेसियस सो हु इज़ द टेरेसियस इन द बुक द वेस्ट लैंड यही आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट आर दिस वीडियो कॉन्टेंट सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड इफ यू हैवेंट सब्सक्राइब टिस चैनल तो भी भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस तरीके के वीडियोज़ देखते रहने के लिए एंड शेयर करिएगा तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हु इज़ द टेरेशियस इन द बुक द वेस्ट लैंड सो द टेरेशियस इज़ द प्रोटगनिस्ट इन द पोएम द वेस्ट लैंड एक्चुअली टेरेशियस जो है वो एक मुख्य वक्ता है एक स्पीकर है प्रटेगनिस्ट है इस कविता में ही इज अ पर्सन फ्रॉम ग्रीक मैथोलॉजी वो एक मैथोलॉजिकल फिगर है और ग्रीक मैथोलॉजी से लिया है उन्होंने टी एस इडियट ने टैरेशियस को अकॉर्डिंग टू ग्रीक मैथोलॉजी ही इज लॉन्ग लिव्ड बाय वर्च्यू ऑफ बून एंड ही इज ब्लाइंड बिकॉज ऑफ जूनोस कर्स बट पॉजिस स्प्रिचुअल विजन एंड प्रोफेटिक पावर्स बाय वर्च्यू ऑफ जव्स फेवर टैरेशियस जो है ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग एक लॉन्ग लिव्ड पर्सन है उसको क्योंकि जव का वरदान मिला हुआ है जव का वरदान मिला है इसकी वजह से वो एक लॉन्ग लिव्ड पर्सन है एंड ही इज ब्लाइंड अंधा है क्योंकि उसको जूनो का श्राप मिला हुआ है अच्छा अब जू जव कौन है और जूनो कौन है तो जव इज द सुप्रीम गॉड ऑफ रोमन मैथोलॉजी रोमन मैथोलॉजी मीन्स ग्रीक मैथोलॉजी में सुप्रीम गॉड है जव एंड हु इज द जूनो सो जूनो वॉज एन एंसियंट रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड मैरिज शी ऑल्सो सिम्बोलाइजेज वुमेन्स हेल्थ फर्टिलिटी एंड चाइल्ड बर्थ एमंग द रोमन्स तो ये जूनो है तो जूनो का अभिशाप है टैरिशियस को इसलिए वो अंधा है लेकिन उसको जव का फेवर मिला हुआ था जव से वरदान मिला हुआ था इसलिए उसके पास कुछ स्पिरिचुअल विजन है आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं कि वो दूर तक का देखता है प्रोफिटिक विजन्स हैं पावर है प्रोफिटिक पावर है ही पॉजिज सेक्सुअल एक्सपीरियंस ऑफ बोथ द मैन एंड द वुमेन और साथ साथ उसके पास मैन एंड वुमेन दोनों का सेक्सुअल एक्सपीरियंस है फॉर ही वॉज वंस ट्रांसफॉर्म इंटू अ वुमेन क्योंकि एक बार वो वुमेन में बदल दिया गया था एंड आफ्टर मैनी ईयर्स ही वॉज अगेन ट्रांसफॉर्म इंटू अ मैन और फिर से एक आदमी में वो चेंज हुआ इन हीज नोट्स ऑन द वेस्टलैंड टी एस एलियट राइट टी एस एलियट खुद लिखते हैं उसके बारे में टेरिसियस अल्दो मेयर स्पेक्टेटर एक दर्शक है मात्र टैरेशियस नॉट अ कैरेक्टर वास्तव में कोई पात्र नहीं है वेस्टलैंड में सिर्फ एक स्पेक्टेटर है इज य मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनेज इन द पोएम लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पर्सन है इस कविता का महत्वपूर्ण अंग है वॉट टैरिशियस सीज इन फैक्ट इज द सबस्टांस ऑफ द पोएम जो कुछ टेरेसियस देखता है वही इस कविता में वो बताता जा रहा है जो कुछ वो खड़े होकर के एक स्थान पे क्योंकि जब कविता शुरू होती है टेरेसियस वेस्टलैंड के एक शहर में किस स्थान पे खड़ा है और वेस्टलैंड की लोगों की मानसिक पीड़ा पर कमेंट करता है तो जो कुछ टेरेसियस कहता है वही इस पोएम का सब्सटेंस है इस पोएम में वही है अब एक स्पेक्टेटर होने के नाते वो एक ऐसा पर्सन है एक ऐसा फिगर है जो कि यूनाइट्स कर सकता है द पास्ट टू द प्रेजेंट भूतकाल को वर्तमान से जोड़ सकता है जोड़ता है और uh, साथ साथ ही इज अ सिंबल ऑफ मेच्योर ह्यूमन इंटेलिजेंस उसके पास मेच्योर ह्यूमन इंटेलिजेंस है सो इलियट मेक्स हिम विजिट द वेस्टलैंड एंड मेक कॉमेंट्स ऑन वॉट ही शीज देयर थ्रू हिज प्रोफेटिक विजन तो अपने उस प्रोफेटिक विजन के द्वारा टैरेशियस जो कुछ देखता है एलियट ऐसा मानते हैं कि उन्होंने वेस्टलैंड पे टैरेशियस को भेजा है और जो कुछ टैरेशियस देख रहा है वही इस कविता की विषय वस्तु है सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको टैरेशियस का जो माइथोलॉजिकल ग्रीक माइथोलॉजिकल पर्सन है ये एक तो इसका बारे में सारी हिस्ट्री पता चल गई होगी हुई स्टाइलिश उसके क्या क्या क्वालिटीज़ हैं सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो हेल्पफुल प्रूव हो आपकी स्टडी में सो so, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करके जाना साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड शेयर करिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ